हाय अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और एक मॉडर्न टेक्निक जिसको हम कहते हैं टिशू कल्चर। टिशू कल्चर की टेक्निक को जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं द टेक्निक ऑफ कीपिंग सेल्स और टिश्यूज आर ऑर्गन फॉर ग्रोथ रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन इन लेबॉरेटरी सेपरेटेड फ्राम ऑर्गेनिज्म, कि हम ऑर्गेनिज्म के बॉडी से सेल टिशू या आर्गन को सेपरेट करके लेबॉरेटरी में रखें, लेबॉरेटरी में किस मकसद के लिए रखें, लेबॉरेटरी में इस मकसद के लिए रखें कि वो टिशू या सेल ग्रो करके एक आर्गन बनाए, एक टिशू बनाए, या उसको हम रिसर्च पर्पज स्टडी के लिए रखें, या उसको हम महफूज रखने के लिए रखें कि यह आर्गन या टिशू लेबॉरेटरी के अंदर महफूज होता है कि ट्रांसप्लांट के लिए काम आ सके, कि हम ये आर्गन किसी और को लगा सके। अगर किसी मरीज को आर्गन या टिशू की ज़रूरत है तो हम उसको ये आर्गन या टिशू ट्रांसप्लांट कर सके, उसको लगा सके, उसकी ज़िंदगी बचा सके। तो टिशू कल्चर की जो डेफिनेशन है, इसमें मैंने कोशिश की है कि थोड़ी बहुत टिशू कल्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी इस डेफिनेशन के साथ ही क्लियर हों। किस तरह से अब देखें द टेक्निक ऑफ कीपिंग सेल टिशू और आर्गन फॉर ग्रोथ, कि हम सेल टिशू या आर्गन को सेपरेट करें ऑर्गेनिज्म से और लेबॉरेटरी में रखें और इस तरह रखें कि वो ख़राब ना हो, वो ज़िंदा रहे, और किस मकसद के लिए रखें। नंबर एक फॉर ग्रोथ, कि टिशू और सेल ग्रो करें, डिवेलप करें, कोई आर्गन बनाए, कोई बॉडी का पार्ट बनाए। या नंबर टू इसको हम रखते हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए, उसको स्टडी करें कि टिशू की कंपोजिशन क्या है, उसके सेल किस तरह से हैं, उस टिशू के अंदर क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है। इसके लिए हम लेबॉरेटरी के अंदर टिशू को हम महफूज करें जिंदा हालत में, एंड प्रिजर्वेशन महफूज रखने के लिए कि कोई किसी डेड बॉडी से या किसी वॉलंटियर से आपने आर्गन लिया है, आपने किडनी ली है, आपने लीवर लिया है, वो आप मीडिया के अंदर लेबॉरेटरी में महफूज रखें ताकि बवक्त ज़रूरत आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकें किसी और के बॉडी में, किसी मरीज़ के बॉडी में, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो ये टिशू कल्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप ज़रा ये देखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिशू कल्चर। ऑब्जेक्टिव के बेस पर टिशू कल्चर की किस्में भी हैं, लेकिन हम किस्म की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में टिशू कल्चर की किस्में इस तरह से डिटेल में मौजूद नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम टिशू कल्चर की किस्म को भी थोड़ा सा जान सके। ऑब्जेक्टिव्स नंबर एक टिशू कल्चर का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ सेल्स टू फॉर्म टिश्यूज आर ऑर्गन इन अ लेबॉरेटरी। बायोनिक ऑर्गन का कंसेप्ट मौजूद है बायोलॉजी के अंदर, कि हम ऑर्गेनिज्म के बॉडी से स्टेम सेल्स को लेते हैं और उन सेल को हम लेबॉरेटरी के अंदर मीडिया प्रोवाइड करें, स्टिमुलेंट प्रोवाइड करें, और वो सेल एग्रीगेट बनाए, टिश्यू बनाए, और टिश्यू एग्रीगेट बनाकर आर्गन बनाए, हम लेबॉरेटरी के अंदर आर्गन तैयार कर सकें। तो इसके लिए हम करते हैं ऑर्गेनोटाइपिक या हिस्टोटाइपिक कल्चर। हिस्टोटाइपिक कल्चर जिसमें सेल आपस में मिलकर टिशू बनाए और उस टिशू को हम बवक्त ज़रूरत किसी इंसान को लगा सकें अगर उसे ज़रूरत है, या हम सेल और टिशू का ऐसा एग्रीगेट रखें लेबॉरेटरी के अंदर, उसको स्टिमुलेंट प्रोवाइड करें, उसको मीडिया प्रोवाइड करें कि वो सेल और टिशू आपस में मिलकर कोई आर्गन बनाए, बायोनिक आई, किडनी, स्किन, जिसमें किसी हद तक कामयाबियाँ भी हासिल हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन जो आर्गन है इसके पीसेस हम लेबॉरेटरी में बना चुके हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू, बायोनिक आई, सॉरी बायोनिक किडनी, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर सेल ने एग्रीगेशन की है किडनी फॉर्मेशन के थ्रू, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट कामयाबी की तरफ जा रहा है कि हम सेल को एग्रीगेट करवा सके लेबॉरेटरी के अंदर, वो कोई आर्गन बनाए जिसमें स्किन में कामयाबी हुई है और किडनी में भी थोड़ी बहुत पेशरफ्त हुई है। तो ये जो टिशू कल्चर की टेक्नोलॉजी है इसका एक और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि सेल और टिशू आपस में मिलकर लेबॉरेटरी के अंदर टिशू डेवलप करें या आर्गन डेवलप करें। नंबर टू ऑब्जेक्टिव टिशू कल्चर का यह होता है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट।
कि हम सेल को इस मकसद के लिए जिंदा हालत में रखे लेबॉरेटरी में या टिश्यू को या आर्गन को, कि हम उसकी स्टडी कर सकें, उसको हम जान सकें, उसकी एनाटॉमी को, उसकी फिजियोलॉजी को, उसकी मॉर्फोलॉजी को हम अच्छी तरह से जान सकें। इसके लिए भी हम लेबॉरेटरी के अंदर टिशू या सेल को जिंदा हालत में रखते हैं, महफूज करते हैं। प्रिजर्वेशन फॉर ट्रांसप्लांट। टिश्यू कल्चर का एक मकसद ये भी होता है कि हम आर्गन को या टिश्यू को किसी बॉडी से लेते हैं, कि वॉलंटियर की बॉडी से, उसको लेबॉरेटरी के अंदर हम महफूज हालत में रखते हैं ताकि बावक्त ज़रूरत हम किसी को ये आर्गन ट्रांसप्लांट कर सकें। एक मकसद ये भी होता है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया। टिश्यू कल्चर का एक ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ मेडिसन्स एंड ड्रग्स। टिश्यू कल्चर का एक मकसद ये भी होता है कि हम सेल लाइन डेवलप करें लेबॉरेटरी के अंदर। फॉर एग्जांपल, वाइट ब्लड सेल का एक लाइन हम डेवलप करते हैं लेबॉरेटरी के, ताकि वो हमें एंटीबॉडी दे सके। हमें इंसान का कोई एंटीबॉडी कमर्शियल लेवल पे चाहिए सप्लाई करने के लिए, बहुत सारे मरीजों को ज़रूरत होती है एंटीबॉडी की। तो ये एंटीबॉडी हम लेबॉरेटरी के अंदर किस तरह से पैदा कर सकते हैं कि हम वो वाइट ब्लड सेल जो नेचुरली ये एंटीबॉडी पैदा करता है, उन वाइट ब्लड सेल को हम ले लें ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, उन वाइट ब्लड सेल को हम लेबॉरेटरी के अंदर प्रोलिफरेट करें, ज़्यादा करें, और फिर वो वाइट ब्लड सेल हमें वो मतलूबा एंटीबॉडी देते रहे लेबॉरेटरी के अंदर, और हम वो कमर्शियल लेवल पर सोल्ड कर सके, उसको फरोख भी कर सके और मरीजों की जानें भी बचा सके। तो एक मकसद ये भी होता है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। जैसे आप ब्लड टेस्टिंग के लिए जो एंटीसीरा इस्तेमाल करते हो, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी, ये जो एंटीसीरा है इसमें एंटीबॉडी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू पैदा होते हैं कि हम वाइट ब्लड सेल को कल्चर करते हैं और वाइट ब्लड सेल हमें एंटीबॉडी देते हैं और हम उसको कमर्शियल लेवल पर सेल करते हैं। टिश्यू कल्चर का एक मकसद ये भी होता है, ये ऊपर वाले जो ऑब्जेक्टिव है इसकी एक और एग्जाम्पल ले कि सिंकुना प्लांट जो है, फीवर प्लांट जिसको हम कहते हैं, जिसे हम मलेरियल ड्रग हासिल करते हैं, तो उस सिंकुना के बारे से हमने सेल लिए हुए हैं, उसका सेल सस्पेंशन कल्चर, टिश्यू कल्चर बनाया हुआ है, और वो सॉल्यूशन के अंदर हमें जो क्वाइनून है वो प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो वो क्वाइनून हम कलेक्ट करके सेल करते हैं, मरीजों की जान बचाते हैं मलेरिया से। तो सेल सस्पेंशन कल्चर है टिश्यू कल्चर की एक किस्म है, जिसमें हमने प्लांट के सेल को कल्चर किया है और वो प्लांट के सेल हमें वो क्वाइनून ड्रग्स जो मेडिसिन है वो हमें दे रहे हैं वो सेल लेबॉरेटरी के अंदर, और उसको हम कमर्शियल लेवल पर सेल करते हैं। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है। टिश्यू कल्चर का एक मकसद जो अभी इस किताब के अंदर हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारी किताब का ऐसा है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब होता है ग्रोइंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर अदर ऑर्गेनिजम्स इन अ शॉर्ट टाइम एंड स्मॉल एरिया। कि हम शॉर्ट वक्त में, कलील मुदत में और थोड़ी सी जगह में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके, ज़्यादा पौधे पैदा कर सके। और ये अभी हम देखेंगे कि हम प्लांट की बॉडी से एक सेल लेंगे और वो एक सेल लेबॉरेटरी के अंदर डिवेलप होकर हमें एक पूरा पौधा देगा, और वो पौधा जो है उसके सीड को हम सो करेंगे, बोएंगे, और फिर फसल बन जाएगा, और वो फसल आगे प्रोलिफेरेट होगा और दुनिया के अंदर फैल जाएगा। तो आप एक स्टेम सेल से, एक मेरिस्टेमेटिक सेल से स्टार्ट लोगे, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे, और उस एक सेल से एक पूरा पौधा किस तरह डेवलप होता है टिश्यू कल्चर के जरिए से, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। और ये माइक्रो प्रोपोगेशन जो है ये हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा है। ये जो चीज़ें हैं ये आप सेकंड ईयर में, टिश्यू कल्चर का टॉपिक है सेकंड ईयर एफएससी की किताब में, ये आप वहाँ पर पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टिश्यू कल्चर के किस ऑब्जेक्टिव के मुतलिक है, माइक्रो प्रोपोगेशन। टिश्यू कल्चर
एक सोफिस्टिकेटेड और एक मॉडर्न फील्ड है, एक मॉडर्न टेक्निक है, और इसके लिए हमें लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे अपरेटस और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हमारी किताब में मौजूद है और जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर कैसा रहा है, इनके कौन कौन से स्टेप्स है, आप एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म, एक पूरा प्लांट लेबोरेटरी के अंदर किस तरह से पैदा कर सकते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन इस प्रोसेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जो रिक्वायरमेंट्स है, पहले हम वो देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, ये चीज़ें अपैरेटस का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, जो टेक्निकल चीज़ें, जो अप्लाइंसेस, जो इंस्ट्रूमेंट इस टेक्निक के अंदर चाहिए, वो मैं बोर्ड पे भी ड्रा करूँगा। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो इंटरनेट से इमेजेस मैं डाउनलोड करके इस वीडियो के साथ कोशिश करूँगा कि वो ग्राफिक के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में वो अप्लाइंसेस, वो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने वीडियो में आ जाए। टिश्यू कल्चर की रिक्वायरमेंट्स में नंबर फर्स्ट पे है हमारे पास, जाहिर सी बात है, एक्सप्लांट क्या चीज है, द सेल टिश्यू आर ऑर्गन सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म फॉर टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग के प्रोसेस के लिए ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो सेल टिश्यू या ऑर्गन आप लेते हो उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्स का मतलब है एक्सीजन, काटना, प्लांट मीन प्लांट से। लेकिन अगर आप एनिमल के बॉडी से भी कोई सेल टिश्यू आप अलग कर गए टिश्यू कल्चर के लिए तो उसको भी हम एक्सप्लांट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने स्किन का कोई पीस लिया टिश्यू कल्चर के लिए तो ये भी एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट का जो वर्ड मीनिंग है, जो वर्ड मीनिंग है वो है एक्स मीन एक्सीजन, काटना, प्लांट मीन प्लांट से। लेकिन अगर आप एनिमल से भी कोई टुकड़ा काटोगे तो वो भी एक्सप्लांट कहलाएगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। टिश्यू कल्चर, द सेल टिश्यू आर ऑर्गन सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म फॉर टिश्यू कल्चरिंग। और ये भी याद रखें कि जिस ऑर्गेनिज्म से आप कोई सेल, कोई पार्ट, कोई ऑर्गन आप लेते हो टिश्यू कल्चर के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मदर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच एक्सप्लांट इज अ सेपरेटेड। वो ऑर्गेनिज्म जिसे आप एक्सप्लांट सेपरेट करते हो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मदर ऑर्गेनिज्म। मदर ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट के लिए आप ये जरा देखें कि अगर हम प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और स्पेशली हम ये चाहते हैं कि प्लांट के एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म हम पैदा करें, पूरा प्लांट हम लेबॉरेटरी के अंदर पैदा करें, तो आप प्लांट के बॉडी से वो सेल अलग करोगे जो अनडिफ्रेंशिएटेड हो, जिसमें माइटोसिस की पावर ज़्यादा हो, जो ज़्यादा माइटोसिस, ज़्यादा सेल डिवीजन कर सके और आसानी से कर सके। तो वो सेल हम देखते हैं दैट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्लांट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ द प्लांट। अगर आप प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और स्पेशली कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन, आप चाह रहे हैं कि प्लांट का कोई हिस्सा मैं लेबॉरेटरी में सेल के एग्रीगेशन से पैदा करूं, प्लांट का कोई ऑर्गन, या आप चाहते हैं कि मैं लेबॉरेटरी में प्लांट के एक सेल से पूरा प्लांट पैदा करूं, तो उसके लिए आप प्लांट से जो सेल सेलेक्ट करोगे वो सेल किस टिश्यू को कहोगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों, ये मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रो प्रोपोगेशन की जो ऑब्जेक्टिव है कि आप लेबॉरेटरी के अंदर बहुत सारे पौधे शॉर्ट टाइम में पैदा कर सकते हो एक सेल से या दो सेल से, तो उसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल टिश्यू क्यों होते हैं, इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखें तो मेरिस्टोस का मतलब है
मेरे स्टूडेंट लतीनी जबान का लफ्ज़ लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है तकसीम, डिवाइड। यानी ये ऐसे सेल है कि अगर आप इनको थोड़ी बहुत नॉर्मल कंडीशंस प्रोवाइड करो तो ये बहुत जल्दी माइटोसिस करते हैं और शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा सेल पैदा करते हैं। और हमें लेबॉरेटरी में ऐसे ही सेल चाहिए जो आसानी से माइटोसिस करें और तेज़ी से बढ़े। लेबॉरेटरी के अंदर हमारे पास टाइम और जगह की कमी होती है तो हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल चाहिए होते हैं जो जल्दी ग्रो करें, जल्दी अपना नंबर बढ़ाए। तो प्लांट के अंदर सबसे बेहतरीन सेल जो तेज़ी से माइटोसिस कर सकते हैं वो मेरे स्टेमेटिक टिश्यू सेल्स है। इसके नाम से भी जाहिर है मेरिस्टोस का मतलब है डिवाइड, यानी द टिश्यू या द सेल दैट डिवाइड रैपिडली इन प्लांट्स। ये हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों आइडियल टिश्यू है माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए, इस मकसद के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। तो आप ये देखें, ये इसलिए कि बिकॉज दे आर नंबर फर्स्ट इजीली अवेलेबल। आपको अपने स्टेमेटिक टिश्यू चाहिए, बहुत आसान है। आप किसी भी, आपके सामने जो प्लांट है, जिस प्लांट को आप लेबॉरेटरी में ग्रो करना चाह रहे हो, उस प्लांट का ब्रांच लें। उस ब्रांच के आखिरी टिप को आप ब्लेड से थोड़ा सा उसके जो एपिडर्मस है, जो टॉप की स्किन है, वो आप रिमूव करें। अंदर आपको वाइटिश ग्रीनिश टिश्यू जो मिलेंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आप ब्लेड से उसका तीन सेक्शन लो, ये आपका एक्सप्लांट है, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आप रूट की तरफ जाते हो तो रूट के एंड पर आप रूट केप रिमूव करोगे तो रूट केप के अंदर नीचे जो टिश्यू होगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। ब्रांच के टिप पर कोई बड प्लांट का निकल रहा है बड, तो बड के एंड पर ये टिश्यू आपको मिलेंगे। ब्रांच के टिप पर आपको मिलेंगे, स्टेम के अंदर मिलेंगे, रूट के टिप में आपको मिलेंगे। तो एक वजह तो ये है कि ये इजीली अवेलेबल टिश्यू है, एक्सपेरिमेंट के लिए भी और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी। दूसरी वजह कि ये टिश्यू कल्चर के टेक्निक के लिए, टिश्यू कल्चर के प्रोसीजर के लिए आइडियल क्यों है, इसकी दूसरी वजह यह है कि दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब यह है कि प्लांट के अंदर ये ऐसे टिश्यू है कि जिसका अभी तक ये फैसला नहीं हुआ होता कि ये मेसोफिल बनेंगे, ये ग्राउंड टिश्यू बनेंगे, या ये रूट बनाएंगे, या ये फ्लावर बनाएंगे। ये अनडिफ्रेंशिएटेड है, ये कुछ भी बना सकते हैं, ये कुछ भी, ये इसको हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट वो सेल होता है जिससे आप पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हो लेबॉरेटरी के अंदर, या इस सेल से आप कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी का पार्ट बना सकते हो। तो ये ओमनीपोटेंट सेल है। अनडिफ्रेंशिएट का मतलब ये, जब एक दफ़ा सेल डिफ्रेंशिएट हो जाए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर सेल का एक दफ़ा ये फैसला हो जाए तो वो बोन का सेल है, तो इसको वापस रिवर्स करना और इस बोन के सेल से लीवर बनाना या स्किन बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप हमारे एम्ब्रियो की तरफ जाओ, जाइगोट आप ले लो, तो जाइगोट से आप कुछ भी बना सकते हो क्योंकि वो अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल है। तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड है और ये प्लांट के अंदर स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स उन सेल्स को कहते हैं, स्टेम सेल का मतलब तना नहीं, प्लांट का स्टेम नहीं, स्टेम सेल का मतलब वो सेल जो अनडिफ्रेंशिएटेड हो और जो बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट बना सके। पहले स्टेम सेल की किस्म होती है, लेकिन उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। चूंकि हमारा मकसद है माइक्रो प्रोपगेशन, एक पूरा प्लांट पैदा करना, तो एक पूरा प्लांट पैदा करने के लिए आपको ऐसा सेल चाहिए जो प्लांट का कोई भी हिस्सा बना सके, या एक पूरा प्लांट बना सके, और वो ऐसा सेल होगा जो अनडिफ्रेंशिएटेड होगा। और प्लांट के अंदर ऐसा सेल कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक सेल, सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नंबर थ्री रीजन ये है, इस टिश्यू की क्वालिटी ये है कि ये जो टिश्यू है नॉट इन्फेक्टेड बाई पैथोजेंस। इन टिश्यूज पर जरासीम भी अटैक नहीं कर सकते। क्यों? बहुत लॉजिकल रीजन है कि आप चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि पैथोजन एक खास किस्म के सेल में इंटर करते हैं, क्योंकि सेल में एंट्री के लिए उस सेल के सरफेस पर उनको एंटीजन रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं। पैथोजन के ऊपर होता है एंटीजन, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है एंटीजन रिसेप्टर साइट। अगर किसी सेल में किसी पैथोजन के लिए एंटीजन रिसेप्टर साइट ना हो तो वो पैथोजन उस सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर किसी पैथोजन के लिए एंटीजन रिसेप्टर साइट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनडिफ्रेंशिएटेड है। एंटीजन तो किसी सेल पर तब अपीयर होंगे जब वो सेल डिफ्रेंशिएट होगा, ये तो अनडिफ्रेंशिएटेड है। तो इस पर पैथोजन भी अटैक
ठीक है इसके बाहर पैथोजन मौजूद होंगे लेकिन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई पैथोजन दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि एंटीजन रिसेप्टर साइट अभी तक एंड सेल पर बने नहीं होते। क्यों नहीं बने होते कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है और एंटीजन रिसेप्टर साइट डिफ्रेंशिएटेड सेल की प्रॉपर्टी है। ये पॉइंट आप याद रखें। इस सेल की आखिरी और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है जो इस एंड सेल्स को एक आइडियल चॉइस बनाती है टिश्यू कल्चर के लिए वो है एक्टिव माइटोसिस। देखिए लेबोरेटरी के अंदर हमारा मेन मकसद होता है कि सेल ग्रो करे, ग्रोथ मतलब डिवीजन, और हमें ऐसा सेल चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिसकी न हो माइटोसिस के लिए। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा सेल ले जो डिफरेंशिएटेड हो तो वो सेल आपको माइटोसिस करके देगा लेबोरेटरी में, इसके लिए आपको बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। लेकिन अगर आप कोई अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल लोगे तो वो आपको जो आसान सी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नॉर्मल हालात में वो आपको माइटोसिस करके देगा और ग्रोथ ग्रो करेगा। हमारा मकसद भी है कि एक सेल से हम पूरा प्लांट पैदा करें, एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म पैदा करें, और उसके लिए हमें ऐसा सेल चाहिए जो एक्टिव माइटोसिस करे और वो प्लांट के अंदर कौन सा सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये आइडियल एक्सप्लांट है टिश्यू कल्चरिंग के लिए। टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्टिव या प्रोसीजर के लिए नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है नंबर टू, हम बोर्ड के साइड पर जाएंगे। नंबर टू रिक्वायरमेंट मीडिया। मीडिया को हम डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स फॉर द एक्सप्लांट। आप कोई बैक्टीरिया लेते हो लेबोरेटरी के अंदर, उसको ग्रो करना चाहते हो या कोई सेल ग्रो करना चाहते हो, तो उसके लिए सेल आपको लिविंग हालत में चाहिए, और लिविंग हालत में अगर आपका सेल को मेंटेन रखना है तो आपको उसे खुराक गजा जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको देनी होगी, तो न्यूट्रिएंट्स। और आप ये भी चाहते हो कि सेल माइटोसिस भी करे और सेल कोई बॉडी का पार्ट बनाए या पूरी बॉडी बनाए, तो उसके लिए आपको ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स। तो ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मीडिया। अब ये जो मीडिया है जो हम इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी के अंदर टिश्यू कल्चर के लिए, तो ये दो किस्म की मीडिया होती है। और पहले तो आप ये भी देखें कि मीडिया इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। कि टिश्यू कल्चर के अंदर जो मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड की बुनियाद पर तैयार करते हैं। ट्रायल का मतलब होता है ट्राई, कोशिश, एरर का मतलब होता है गलती। आप कोई ऐसा सेल ग्रो कर रहे हो जो इससे पहले किसी ने लेबोरेटरी के अंदर ग्रो नहीं किया, तो ये सेल को कौन सी मीडिया पसंद आएगी, कौन से न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए, कौन से ग्रोथ फैक्टर से ये स्टिमुलेट होता है, ये आपको पता नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि आप एक अपने सोच से या इधर उधर से कुछ लिटरेचर पढ़ के आप एक मीडिया तैयार करते हो और सेल को उस मीडिया के अंदर प्लेस करते हो। आप कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद लेबोरेटरी के अंदर आते हो तो आप देखते हो कि आपका सेल डेड है, उसको मीडिया पसंद नहीं आया, मीडिया ने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो इसलिए उसने ग्रो नहीं किया और वो ख़त्म हो गया। तो आपने ट्राई की लेकिन आपसे गलती हुई, मीडिया में कुछ कमी बेशी थी, इसकी वजह से सेल की डेथ हुई। आप दोबारा कोशिश करेंगे, एक नए फार्मूले से एक नई मीडिया बनाते हो, सेल को दोबारा प्लेस करते हो। आप दूसरे दिन लेबॉरेटरी के अंदर आते हो, वो सेल भी डेड हो चुका है, उसको भी मीडिया पसंद नहीं आई, उसको मीडिया रास नहीं आया, तो मीडिया के अंदर गलती थी, आपने कोशिश की। आप फिर से ट्राई करते हो, एक नए फार्मूले के मुताबिक एक बेहतर मीडिया बनाने की कोशिश करते हो, आप सेल को प्लेस करते हो, इनोकुलेट करते हो। आप अगले दिन लेबॉरेटरी में आते हो तो सेल ने ग्रो कर लिया है, सेल के नंबर में इजाफा हुआ है, आपको विजिबल फ़र्क नज़र आ रहा है कि सेल के नंबर और पॉपुलेशन के साइज़ में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मीडिया ठीक है, यानी आपने कोशिश की और इस दफ़ा कोशिश कारगर साबित हुई, सही साबित हुई और सेल को मीडिया पसंद आ गया। जो आपने जो ग्रोथ फैक्टर डाले थे, जिस कंसंट्रेशन में डाले थे, जिस रेशियो में डाले थे, जो न्यूट्रिएंट्स आपने डाले थे वो बिल्कुल ठीक थे, इसलिए सेल ने ग्रो किया और आपकी मीडिया सक्सेसफुल रही। तो इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेल ग्रो कर रहे हो जो इससे पहले भी
लोगों ने लेबॉरेटरी में ग्रो किया हुआ है, तो आप लिटरेचर देखेंगे उनका कि उनकी मीडिया की कंपोजिशन क्या है, आप उस हिसाब से मीडिया बनाओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप जब भी सेल को उस मीडिया के अंदर प्लेस करोगे तो सेल ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप कोई नया सेल ग्रो कर रहे हो जो आपसे पहले किसी ने ग्रो नहीं किया, तो आपको ट्रायल एंड एरर का मेथड अप्लाई करना होगा। मीडिया दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं मीडिया के एक किस्म को हम कहते हैं ब्रॉथ, और दूसरी किस्म को हम कहते हैं एगर। ब्रॉथ जो इंग्लिश वर्ड है इसका उर्दू मीनिंग या हिंदी मीनिंग है शोरबा, जो सालन के अंदर शोरबा होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि लिक्विड मीडिया। जब मीडिया लिक्विड के फॉर्म में हो तो इसको ब्रॉथ मीडिया कहते हैं, लेकिन अगर मीडिया सीमी सॉलिड फॉर्म में हो, सीमी सॉलिड मीडिया, तो उसको हम कहते हैं एगर। यहाँ पर तो जो हम मीडिया इस्तेमाल करेंगे वो आप देखेंगे कि हम एगर मीडिया इस्तेमाल करेंगे। इसको एगर मीडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको इसमें एगेरो प्रोटीन्स होते हैं जो हम एलजी से हासिल करते हैं। ये मीडिया हम सीवीड्स जिसको हम रेड एलजी कहते हैं या ब्राउन एलजी, वो सीवीड्स को लेकर हम उसको क्रश करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते हैं, और ये चूंकि प्रोटीन रिच और कार्बोहाइड्रेट मीडिया होता है तो इसको हम बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए और सेल के ग्रोथ के लिए हम लेबॉरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं एगर मीडिया सीमी सॉलिड। और ये जो ब्रॉथ मीडिया है इस ये हम इस्तेमाल करते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए। सेल सस्पेंशन कल्चर का मतलब ये है कि आप ये नहीं चाहते कि सेल एक जगह पर आ जाए और कोई टिशू या ऑर्गन बनाए या कोई बॉडी बनाए। सेल सस्पेंशन कल्चर हम इसलिए बनाते हैं कि सेल अलग अलग रहे और उसी सॉल्यूशन के अंदर कोई प्रोडक्ट, कोई ड्रग पैदा करे, कोई मेडिसिन पैदा करे। जिस तरह मैंने मलेरियल ड्रग की एग्जांपल दी कि हम मलेरिया सेंगुना प्लांट के जो सेल है उसको हम सेल सस्पेंशन कल्चर में डालते हैं तो वो सेल इंडिविजुअली ड्रग पैदा करते हैं और फिर उस कल्चर से हम ड्रग कलेक्ट करके पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं उस ड्रग से। तो वो उसके लिए हम ब्रॉथ मीडिया लिक्विड, ये बॉटल के अंदर होता है, ये प्लेट के अंदर होता है। ये भी आप देखें कि ये लिक्विड मीडिया है तो ये होगा इनसाइड इन अ बॉटल फॉर सेल सस्पेंशन कल्चर, और ये होता है इन अ पिट्री डिश। ये आप देखेंगे ये पिट्री डिश में हम रखेंगे सीमी सॉलिड मीडिया को। टिश्यू कल्चर की जो प्रोसीजर है इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हम देखेंगे कि वो कौन सी है। टिश्यू कल्चर लेबॉरेटरी के अंदर आपको चाहिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 3 इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड मीन उल्टा, यानी ये कौन सा माइक्रोस्कोप है। उल्टा माइक्रोस्कोप का क्या मतलब होता है, यह माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव्स बिलो स्टेज, इसको हम डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप जिसको हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर काटने के, माइक्रोस्कोप के नीचे काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं डाइसेक्शन। ये माइक्रोस्कोप का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि आप जो आम माइक्रोस्कोप हो, जो कॉमन माइक्रोस्कोप आपने देखी माइक्रोस्कोप के सेक्शन के अंदर कॉमन माइक्रोस्कोप, उसमें आपने ये देखा कि उसमें ऑब्जेक्ट या आई पीस था, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे और ये उसका स्टेज था, और स्टेज के ऊपर आप कोई स्पेसिमन देखने के लिए रखते हो स्लाइड के ऊपर। अब इस माइक्रोस्कोप में ये मसला है जो कॉमन माइक्रोस्कोप है कि इसमें आप स्पेसिमन को ऑब्जर्व तो कर सकते हो लेकिन आपके हैंड मूवमेंट कोई अलाउ नहीं करता, आप ऐसे कुछ काट नहीं सकते। इसके माइक्रोस्कोप में देख कर आप नीचे कटिंग इतनी आसानी से नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन इतनी आसानी से नहीं। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप है ये स्पेशली इसलिए डिज़ाइन हुआ है कि आप इसके अंदर इसके नीचे देखकर 3 सेक्शन स्पेसिमन के काट सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये आपको इजाज़त देता है हैंड मूवमेंट की, मैनुअल मैनिपुलेशन की आपको इजाज़त देता है कि ये इसका स्टेज होता है और ये इसका हैंडल है और ये स्टेज के नीचे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है और ये उसका स्टेज है।
और इधर लगे होते हैं इसके आई पीस। अब ऊपर से स्पेसिमन रखा होता है यहां पर। अब ये जो इमेज है ये बन रही है और इधर आ रही है। अब आप इधर से आप देख रहे हो, इधर से आप काट भी सकते हो। हैंड मूवमेंट आपकी फ्री है, हाथ आपके आजाद हैं। यहां पर आपको इतनी आजादी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। इस माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्टेज के ऊपर होते हैं आम माइक्रोस्कोप में, और इस माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेज के नीचे होते हैं, इसलिए इसको हम इन्वर्टर माइक्रोस्कोप या डिसेक्शन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये आपको इसलिए चाहिए कि आप प्लांट का ब्रांच लेते हो, उस ब्रांच की आप टिप लेते हो, और अब इस टिप से आपने मेरे स्टेमेटिक सेल को काटना है। काटने को हम कहेंगे डाइसेक्शन, और डाइसेक्शन के लिए आपको ये माइक्रोस्कोप चाहिए, डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। रिक्वायरमेंट की जो लिस्ट है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और हमारी अगली जो रिक्वायरमेंट है नंबर 4, दैट इज़ अ सेफ्टी केबल आर लेमिनर बोर्ड। इस डिवाइस की मैं कोशिश होगी कि इसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी दूं वीडियो के अंदर। ये डिवाइस किस तरह से काम करता है, और ये केबन का मतलब होता है क्लोज्ड कंपार्टमेंट। ये इस डिवाइस का डिज़ाइन, इसका पहले आप ऑब्जेक्टिव देखें कि इसका मकसद क्या होता है लेबोरेटरी के अंदर, टू प्रोवाइड अ स्टेरलाइज्ड इन्वायरमेंट। स्टेरलाइज्ड इन्वायरमेंट का मतलब होता है जरासीम से पाक, फ्री ऑफ जर्म्स, फ्री ऑफ पैथोजेंस, फ्री ऑफ माइक्रोब्स। हम ये नहीं चाहते कि लेबोरेटरी के अंदर हमारा जो टिश्यू है उसमें जरासीम माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करे। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम लेबोरेटरी के अंदर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, और उसमें एक तरीका ये भी है कि आप अपने अप्लाइंसेस, अपने सेल, अपना टिश्यू कल्चर जो है वो स्केबन के अंदर रखें। स्केबन में कौन सी प्रॉपर्टी है इसका आप डिज़ाइन देखें। केबन इस तरह होता है, ये केवल लार्ज कपबोर्ड अलमारी की साइज का होता है, और इस केबन के फ्रंट पर चेयर या स्टूल रखी होती है जिसपे स्टूडेंट या टीचर या साइंटिस्ट बैठता है, और जो टिश्यू कल्चर है या जो सेल है वो इस केबन के अंदर रखे होते हैं। इस मकसद के लिए इसके ऊपर ग्लास यहां पर ग्लास लगा होता है, और इस केबन के रूफ जो होता है इसमें लाइट भी लगी होती है, और साथ साथ यूवी लैम्प का मतलब अल्ट्रावायलेट लैम्प, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेज पैदा करता रहता है। यूवी रेज का मकसद ये होता है, ये यूवी रेज हम एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं लगाते, नहीं चलाते, ये एक्सपेरिमेंट से पहले इसके बन को हम क्लोज करते हैं, इसका जो ग्लास है वो उसको डाउन पुश करते हैं, फिर इसको हम ऑन करते हैं, इसके अंदर जो यूवी रेडिएशन है वो चालू हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, और इस यूवी रेडिएशन की वजह से इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई या उसके स्पोर्स, वो ख़त्म हो जाते हैं, और अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो स्टरलाइज होता है। उसके बाद हम अपना जो सामान है वो इसके अंदर लेकर जाते हैं। अगर आप टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट जो है, आपका माइक्रोपीपेट है, आपके फोरसेप है, आपका जो टिश्यू कल्चर है, पेट्री डिश है, ये सारा सामान आप इस केबन के अंदर रख के मैनिपुलेट करते हो, यहाँ पर आप बैठते हो, आपका हाथ अंदर जा रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये यहाँ तक ग्लास होता है। तो इसका मकसद है, अगर आप टिश्यू कल्चर को ओपन इन्वायरमेंट में करो तो ऊपर से जरासीम आपके सेल को इन्फेक्ट करेंगे, ऊपर से गिरेंगे आपके टिश्यू कल्चर में, आपका मीडिया ख़राब करेगा, आपके टिश्यू को ख़राब करेगा। तो इससे बचने के लिए हम थोड़ी देर के लिए ये यूवी लैम्प ऑन करते हैं, इसको स्टरलाइज करते हैं इन्वायरमेंट को, फिर ये ऑफ करते हैं, और इसके अंदर अपनी चीज़ों को लेकर जाते हैं, और इसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, मैनुअल जो हैंडलिंग होती है सैंपल्स की, टिश्यू की, अभी मटेरियल की, ताकि अंदर का इन्वायरमेंट स्टरलाइज रहे और जरासीम माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टिश्यू को खराब न करें, इस कल्चर को खराब न करें।
तो ये इस डिवाइस का मेन ऑब्जेक्टिव है। अप्लायंसेस की लिस्ट में दूसरी एक ज़रूरी जो इक्विपमेंट है जो टिश्यू कल्चर के लिए हमें चाहिए होती है, दैट इज़ अ इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर इनक्यूबेशन से निकला है, इनक्यूबेशन का मतलब है टू हीट, सिंकना। जिस तरह जो एक बर्ड है, मुर्गी है, वो अपने अंडों के ऊपर बैठती है उसको उनको गर्म रखने के लिए ताकि अंदर जो बच्चा है वो जल्दी ग्रो करे, तो ये इनक्यूबेटर क्या करता है, इसके दो मकसद होते हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टिश्यू, और इसका दूसरा मकसद होता है गैस एक्सचेंज। ये इस डिवाइस का डिज़ाइन ये होता है कि इसके अंदर रिक्स होती है जिसमें आप अपने टिश्यू को, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हमने अपनी प्लेट रखी पेट्री डिश जिसके अंदर सेल्स हैं। अब ये सेल्स को यूजुअली प्लांट के सेल के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपने इस मशीन को फिट किया कि 24 घंटों के लिए, 48 घंटों के लिए, जितने भी टाइम आपने सेट किया इसके लिए टेम्परेचर यही रहे। तो ये मशीन इस काबिल है कि ये डिज़ायर टाइम तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है अनटिल एंड अनलेस के इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो डिसरप्ट ना हो। तो ये आप इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, करंट देंगे, और ये मशीन जब तक करंट सप्लाई इसको जा रही है ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। एक इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब सेल जिंदा है तो जाहिर सी बात है कि सेल रिस्पिरेशन भी कर रहे हैं, तो इस मशीन के अंदर ये भी प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये बाहर से ऑक्सीजन लेगा और जो सेल रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगे वो ये बाहर निकालेगा। तो ये दो मकसद के लिए इनक्यूबेटर हम इस्तेमाल करें। इनक्यूबेशन का लफ्ज़ ये मतलब है गर्म करना, और इस मशीन की खासियत ये है कि ये सेल के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। रिक्वायरमेंट की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए जब हम टिश्यूज को ये पेट्री डिश में इनाकुलेट करेंगे तो ये पेट्री डिश टिश्यू को हम इनक्यूबेटर में रखेंगे ग्रोथ के लिए। ये याद रखें कि सेल ने जो मेन ग्रो करना है, अपना नंबर बढ़ाना है, सेल ने माइटोसिस करना है, सेल ने कोई ऑर्गन बनाना है, तो वो इस इनक्यूबेटर के अंदर बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्लायंस है। नंबर 3 रिक्वायरमेंट की लिस्ट में हमारे पास है वाशटब। वाशटब का मतलब है धोने वाला बर्तन। ये कोई मशीन नहीं है बल्कि आम जो डोमेस्टिक यूज़ में हम कोई यूटेंसिल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये यूटेंसिल जो है ये बर्तन, ये लेबॉरेटरी के लिए स्पेसिफिक होगा। अगर आप घर से लेकर आते हो तो स्टरलाइज नहीं होगा, वो इन्फेक्टेड होगा, उस पर जरासीम लेबॉरेटरी में आएंगे तो टिशू ख़राब होगा। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं वाशटब, कि आप प्लांट का ब्रांच लेकर आते हो तो सबसे ज़रूरी बात तो यह है पहले कि आप उसको डिस्टिल वाटर से दो ताकि उसका गर्द, उसके पार्टिकल वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम उसका सेक्शन लेंगे और इसको टिश्यू कल्चर उसका बनाएंगे। तो ये धोने के लिए आम मैनुअल वॉशिंग के लिए हम इस टब को इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू कल्चर के प्रोसीजर के लिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो आपके पास होनी चाहिए, दैट इज नंबर, सॉरी ये नंबरिंग जो है ये हमने थोड़ी सी गलत की है। ये है नंबर 5, ये है नंबर 6। नंबर 7 पे फ्रीजर एंड रेफ्रिजरेटर। जाहिर सी बात है कि लेबॉरेटरी के अंदर जब हम हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं या कोई प्रोटीन्स या केमिकल या ग्रोथ फैक्टर जिस तरह मैंने लेकर मीडिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिसको अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो वो ख़राब होगी। तो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए और उसके उनके कोल्ड स्टोरेज के लिए हमारे पास फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर ज़रूरी होता है लेबॉरेटरी के अंदर। ये तो हर लेबॉरेटरी, चाहे वो केमिस्ट्री की लेबॉरेटरी हो, चाहे वो बायोलॉजी की आम सी लेबॉरेटरी हो, इसमें फ्रीज़र एंड रेफ्रिजरेटर ज़रूरी होते हैं। तो टिश्यू कल्चर की लेबॉरेटरी में तो ये बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट की लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नंबर 8 पे
लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है, क्रायो मीन कोल्ड, प्रिजर्वेशन स्टोरेज, फॉर कोल्ड स्टोरेज या प्रिजर्वेशन थ्रू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। कि आप किसी चीज को महफूज रखना चाहते हो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के साथ, चिल जिसको हम कहते हैं, तो इसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन बॉटल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये बॉटल के अंदर आता है लिक्विड N2, और लिक्विड N2 का टेम्परेचर होता है अप टू -196 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि 196 डिग्री बिलो जीरो, यानी जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उससे भी 196 डिग्री नीचे का ये टेम्परेचर है। और इसमें अगर आप कोई चीज़ रखते हो, कोई स्किन का पार्ट, कोई टिश्यू, कोई सेल, तो वो बहुत सालों तक ओरिजिनल हालत में रहेगा और ख़राब नहीं होगा। देखें, कोई चीज़ जब आप ओपन इन्वायरमेंट में रखते हो तो वो डिकम्पोज होती है, ख़राब होती है, गल सड़ जाती है, स्पाइल हो जाती है। क्यों? डिकम्पोजर बैक्टीरिया की वजह से, डिकम्पोजर फंजाई की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से। और इस बॉटल के अंदर जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन हो, अगर आप कोई लीफ रखते हो, कोई स्किन का पार्ट रखते हो, तो ये बहुत सालों तक ऐसे ही ग्रीन रहेगा, तरोताज़ा रहेगा, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, अगर होगी भी तो बहुत निग्लिजिबल, और ये 50-60 साल तक ये लीफ जो है ये डिकम्पोज नहीं हो सकेगा। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए हमें लिक्विड नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई टिश्यू, कोई बॉडी का पार्ट हो, बहुत लंबे अरसे तक महफूज रखना चाहते हैं, तो ये काम आपके लिए फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर नहीं कर सकता। 7-8 दिन से ज़्यादा ये आपको प्रिजर्वेशन नहीं दे सकता। लंबी प्रिजर्वेशन के लिए आपको लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन हम हासिल किस तरह करते हैं कि फ्री नाइट्रोजन उसको हम कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेशन के साथ जो गैस का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। अगर आप नाइट्रोजन को इतना कंप्रेस करो कि वो लिक्विड में तब्दील हो जाए, तो उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। बहुत ही लो टेम्परेचर है। रिक्वायरमेंट की लिस्ट में हमारे पास नंबर 9 पे है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव की जो डिवाइस है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये इसका बुनियादी मकसद ये है कि फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ लेब टूल्स। लेबोरेटरी के अंदर जो सामान इस्तेमाल होता है, आलात सामान, जैसे पिट्री डिश, जैसे सीजर, जैसे फोरसेप, इन चीज़ों को जरासीम से साफ रखने के लिए और अगली सुबह इस्तेमाल करने के लिए हम लेबोरेटरी बंद करते वक्त इन चीज़ों को इस ऑटोक्लेव में डालते हैं। इस ऑटोक्लेव में ये प्रॉपर्टी है कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर जो होता है ये होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऐसा तक हाई टेम्परेचर इसके अंदर हम अचीव कर सकते हैं। और हाई प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर, वाटर के जो वेपर है स्टीम के हालत में, उसको हम यूज़ करते हैं। ये ऐसा एक प्रेशर कुकर टाइप डिवाइस होता है, जिसको हम एयर टाइट सील करते हैं, बंद करते हैं, और ये जो ड्रम लाइक अप्लाइंस है, इसको हम इसके अंदर हम रखते हैं पिट्री डिश जिसको हमने कल सुबह इस्तेमाल करनी है, फोरसेप, सीजर जो ऑपरेशन थिएटर में या इस लेबोरेटरी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जो हार्डवेयर है लेबोरेटरी का हार्डवेयर, तो ये चलता है इलेक्ट्रिक सप्लाई से। आप इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे तो इसके अंदर स्टीम जो है, बाप, वाटर वेपर, ये घूमेंगे और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होगा, और साथ साथ टेम्परेचर भी 160 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम अंडर प्रेशर। तो इतने टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से
इन अप्लाइंसिस के ऊपर अगर जरासीम है, फंजाई है, उसके उनके स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया है, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप ये चीज़ें कल सुबह इस्तेमाल करते हो टिश्यू कल्चर के लिए, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये चीज़ें स्टेरलाइज्ड होंगी, जरासीम से पाक होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक होगी। तो इस डिवाइस का मकसद ये है। इस लिस्ट में नंबर 10 पे हमारे पास है साइटोमीटर, जिसको हम आर सेल काउंटर भी कह सकते हैं। जैसे नाम से जाहिर है, साइटोमीन सेल, मीटर माना गिनना, शुमार करना। सेल काउंटर यानी वो डिवाइस या वो टूल जिससे आप सेल को काउंट कर सके कि आज मेरे पास एक सेल है, कल सेल ने स्लाइड के ऊपर या इस पेट्री डिश के अंदर माइटोसिस की, तो कितने सेल तक पहुंचे, 10 हुए, 20 हुए, 1,00,000 हुए, कितने सेल हुए। तो इसके लिए भी आपको कोई डिवाइस तो चाहिए कि आप देखेंगे कि आपके सेल के सेल ने ग्रोथ किया है कि नहीं। आज आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हो एक सेल से, कल आप देखना चाहते हो कि सेल ने माइटोसिस की तो कितनी माइटोसिस की, कितने सेल पैदा किए 24 घंटों के अंदर, तो 24 आवर में या 48 आवर में सेल ने कितनी माइटोसिस की, कितने सेल पैदा किए। तो इसके लिए आपको जो डिवाइस चाहिए सेल को काउंट करने के लिए, उसको हम कहते हैं साइटोमीटर या सेल काउंटर। ये डिवाइस दो तरह का है, एक होता है डिजिटल और एक होता है सिंपल स्लाइड। ये दो फॉर्म में आता है, एक स्लाइड की फॉर्म में जो कन्वेंशनल है, और एक डिजिटल साइटोमीटर है। जाहिर सी बात है, ये देखें कि हम ज़्यादातर ये डिजिटल साइटोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह का डिवाइस होता है जिस पर डिजिटल डिस्प्ले होता है, आप स्लाइड को इसके अंदर इंटर करते हो और ये ऊपर आपको स्क्रीन पर सेल का नंबर दे देगा कि इस स्लाइड पर इतने इतने सेल हैं। और ये जो आम स्लाइड है, जो स्लाइड साइटोमीटर है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक चेम्बर्स होते हैं इस तरह से। जब आप सेल को इसके अंदर डालोगे, इस स्लाइड के ऊपर डालोगे, तो इसको आप लेके जाओगे माइक्रोस्कोप में और आप डायगोनली, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली चेम्बर सेलेक्ट करोगे, और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली आप काउंट करोगे, और जितने आप एक लाइन में काउंट करोगे और उसको बाकी लाइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास एक प्रोबेबल नंबर आ जाएगा कि इस स्लाइड के ऊपर कल इतने सेल थे, आज इतने हैं। लेकिन हम ज़्यादातर आजकल जो टिश्यू कल्चर के लिए बाउंड्री में है, हम डिजिटल साइटोमीटर इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल साइटोमीटर क्या है कि आपने स्लाइड ली, उसके ऊपर सेल है, आपने इस डिवाइस के अंदर डाला, तो वो आपको डिस्प्ले दे देगा कि इस स्लाइड पर कल इतने सेल थे, आज इस पर इतने सेल है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सेल ने कितनी ग्रोथ की है, आपका मीडिया कितना सक्सेसफुल रहा है। ये भी हम इस्तेमाल जो आम कन्वेंशनल लेबॉरेटरीज में जो सीमन एनालिसिस के लिए या सेल काउंटर इस्तेमाल करते हैं, वो ये आम सा स्लाइड है। इस पर आप सेल को डालोगे तो इन चेंबर के अंदर सेल चले जाएंगे। आप डायगोनली, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप कोई भी लाइन सेलेक्ट करोगे, आप काउंट करोगे, तो आपके पास एक प्रोबेबल नंबर आ जाएगा कि इस स्लाइड के ऊपर तकरीबन इतने सेल होंगे। एग्जैक्ट ये आपको काउंट नहीं दे सकता, लेकिन अप्रॉक्सीमेट काउंट ये स्लाइड भी आपको दे सकता है। ये दोनों साइटोमीटर हैं, एक डिजिटल और एक आम स्लाइड साइटोमीटर। तो ये चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है, तो यू कैन प्रोसीड विद द प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर, कि आप एक सेल को लोगे तो उसे आप टिश्यू किस तरह बना सकते हो, एक पूरा प्लांट, एक पूरी बॉडी अपने बॉडी के अंदर किस तरह डिवेलप कर सकते हो, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं कल स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। अल्लाह हाफिज़।